आपको जजों पे भरोसा क्यों नहीं है? जज तो जज होते हैं। मैं सर वही बता रहा हूँ। और दूसरी हमारी जो कंडीशन थी कि फॉरवर्ड का जज नहीं होना चाहिए, नहीं उसके होना चाहिए? पीछे का बड़ा रीजन ये है कि हमेशा हमारे खिलाफ जो ओबीसी हो रिजर्वेशन हो एससी एसटी रिजर्वेशन हो उसके खिलाफ हमेशा फॉरवर्ड कोर्ट ने 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000। अच्छा, मतलब आप जैसे आर्ग्यूमेंट कोशिश कर रहे थे वो जुर्माने की राशि बढ़ाते जा रहे हैं, एकदम बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे वकील ने कहा कि मिलावट आपको जितना भी आपको कॉस्ट लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन इस मैटर को डिसाइड कर दीजिए। कैसे कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि आप दोबारा कोर्ट जाने से डरे, आपके अंदर डर बिठा दिया जाए कि इस मामले को, क्योंकि जुडिशरी पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जुडिशरी कास्टिस्ट नेचर की है, कॉलेजियम नहीं है। ये इन्होंने एक सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि द्विवेदी का लड़का चतुर्वेदी को बनाया जाता है, चतुर्वेदी का लड़का त्रिवेदी को बनाया जाता है, जब त्रिवेदी का लड़का आता है फिर वो द्विवेदी को। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कॉलेजियम है जो जजों की नियुक्ति करता है उसमें एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं बन पा रहे? क्या जो जज को बनाता है, किसी जस्टिस के घर पैदा होता है तो नर्स बधाई देती है कि जज साहब बधाई हो आपके घर में जज। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ लोकेंद्र गुज्जर हैं और लोकेंद्र गुज्जर का नाम इन दिनों सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की थी। पेटिशन में मांग ये की गई थी कि जब ओबीसी से जुड़ा हुआ एक केस है उसकी सुनवाई होगी तो उसमें कोई सवर्ण जज ना हो और ओबीसी जज भी ना हो, बल्कि उसमें एससी एसटी जज बनाई जाए, न्यूट्रल बेंच बनाई जाए। लेकिन इस पिटीशन को जब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो जजों ने 2 मिनट में इसको फारिग कर दिया और इन पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। तो लोकेंद्र, ये जो पिटीशन है आपकी, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल की थी, क्या वजह थी, जरा शॉर्ट में बताइएगा। सभी तो पहले सभी साथियों को जय भीम। सर, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हम विगत कई वर्षों से ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं और 2018 में जब सरकार चेंज हुई तो हमारा रिजर्वेशन उन्होंने लागू किया, लेकिन उसके बाद से भी हमारे विरोध में लोग पिटीशन कोर्ट में चले गए कि इनको 27% नहीं मिलना चाहिए। हमारे समर्थन में जैसे उन्होंने सपोज करो पीएससी वाले में गए विरोध में, स्कूल एजुकेशन में गए, डिफरेंट डिफरेंट जैसे भी वैकेंसीज निकलती लोग उसके अगेंस्ट चले गए, हमारे लोग भी उनके समर्थन में गए। ऐसे करके 80 पिटीशंस मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, लेकिन 5 साल होने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले 27 तो दूर मिलना, हमें 14% नहीं मिल पा रहा है। हमारे लोग ओवर एज होते जा रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो 27 और 14 के चक्कर में सब स्टे होता जा रहा है। तो हमने ये कहा, एक पिटीशन हमने सोचा कि एक ऐसी लगाई जाए कि कम से कम उस पर स्पेशल बेंच बन के फटाफट उसकी हियरिंग हो, निपटारा हो जाए, एक पर डे हियरिंग हो, महीने भर में पूरा निपटारा हो जाए। लेकिन हमने उसमें एक चीज़ और ऐड करी, हमने कहा कि ये जो स्पेशल बेंच रहे ना वो ऐसी होना चाहिए कि जिसमें फॉरवर्ड का कोई जज नहीं होना चाहिए और बैकवर्ड का भी कोई जज नहीं होना चाहिए। उसके पीछे की हमारी मंशा ये थी कि यदि हम बैकवर्ड का जज मांग करेंगे, यदि वो बैकवर्ड का कोई जज रहेगा, सपोज करो उसने 27% रिजर्वेशन हमको दे दिया, तो जो हमारे जो अगेंस्ट वाले जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं जो ओबीसी और एससी एसटी रिजर्वेशन का विरोध करते हैं वो कहने लगेंगे ये तो भाई उनकी मंशा थी, ये तो ओबीसी का जज था, इसलिए ओबीसी का जज सुनवाई कर रहा है, पक्षपात का आरोप लगता है, इसलिए हमने ओबीसी का। आपको जजों पे भरोसा क्यों नहीं है? जज तो जज होते हैं। मैं सर वही बता रहा हूँ। और दूसरी हमारी जो कंडीशन थी कि फॉरवर्ड का जज नहीं होना चाहिए, नहीं उसके होना चाहिए? पीछे का बड़ा रीजन ये है कि हमेशा हमारे खिलाफ जो ओबीसी हो रिजर्वेशन हो एससी एसटी रिजर्वेशन हो उसके खिलाफ हमेशा फॉरवर्ड जज रहते हैं। यदि फॉरवर्ड जज हमको न्याय देने वाले होते तो 5 साल से अभी तो मध्य प्रदेश में फॉरवर्ड जज ही सुनवाई कर रहे हैं ना, वो कर चुके होते, वो नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वाइस्ट है उस चीज़ को लेकर कि नहीं ये रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी यदि वो सच में हमें हमारा हक देने में काबिल होते, यदि वो चाहते कि ओबीसी को उसका हक मिले तो हमको दे चुके होते, इसलिए हमें उन पर भरोसा नहीं है। हमने पिटीशन जब जबलपुर हाई कोर्ट में लगाई उसमें हमारी हियरिंग हुई, उन्होंने 6 पेज का एक बड़ा सदा हुआ डिसीजन दिया, उन्होंने बोला कि आज तक हम पर ऐसा कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगा है, 2-3 चीज़ उनने उसमें कोट भी की कि ऐसा हुआ वो हुआ और ये ऐसी चीज़ संभव नहीं है और उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। हम उसको फिर एसएलपी के तौर पे हम जब सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, सुप्रीम कोर्ट में जब पहली हियरिंग हुई तो उसमें एक रिटायर्ड जज होने वाले थे इस बेसिकली ब्राह्मण कम्युनिटी, उन्होंने बोला कि मैं फॉरवर्ड क्लास से हूँ तो मुझसे ना सुनवाई कराओ, इसको समर वेकेशन के बाद आप हियरिंग करो। तो अभी 17 तारीख को हमारी वो हियरिंग लगी हुई थी, जैसे ही हमारा मामला कोर्ट में गया
तो मिलोर्ड साहब सुन के एकदम भड़क गए, उन्हें सुनना तो दूर की, उन्होंने कॉस्ट ही शुरुआत कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000। अच्छा, मतलब आप जैसे आर्गुमेंट कोशिश कर रहे थे वो जुर्माने की राशि बढ़ाते जा रहे एकदम बढ़ाते जा रहे। मेरे वकील ने कहा कि मिलोर्ड आपको जितना भी आपको कॉस्ट लगाना है आप लगा दीजिए, लेकिन इस मैटर को डिसाइड कर दीजिए। वो सुनने, आप यू आर लिसनिंग मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो सिर्फ उसके अलावा कोई बात ही नहीं तो कर रहे। आर्गुमेंट नहीं सुना गया, जो एक मिनट भी नहीं सुना। अब तो वीडियो है हमारे पास, हमने वीडियो पूरे देश में चल रहा है, वीडियो है उसमें, एक मिनट भी नहीं उन्होंने सुना। उन्होंने वो तो कॉस्ट बढ़ाते गए, कॉस्ट बढ़ाने के बाद उन्होंने उस मामले को कर दिया। जब दूसरे दिन सुबह खबर आई, सुबह 7 बजे ही बार एंड बेंच करके एक सुप्रीम कोर्ट की जो न्यूज़ खबर लीगल न्यूज़ देता है, उनका सुबह का जो उस पर खबर आई, उसमें लिखा हुआ था कि जो पिटिशनर जिसने न्यूट्रल बेंच की मांग करी थी उस पर 10,00,000 का जुर्माना लगाया जाता है। और जैसे ही 10,00,000 का जुर्माने की खबर आई, हमने उसको शेयर किया, दिलीप मंडल सर ने उसको ट्वीट किया, पूरे देश में एकदम माहौल बन गया कि नहीं ये तो गलत है, गलत है, गलत है। आनंद फानंद में उस न्यूज़ को उन्होंने डिलीट किया, शाम तक उन्होंने कोई न्यूज़ नहीं दी, क्योंकि वो वॉच कर रहे थे इसका इम्पैक्ट क्या, इसका रिएक्शन क्या है। जब शाम को देखा कि ट्विटर पर सपोर्ट लोकेंद्र गुर्जर करके 5वें नंबर पे जब ट्रेंड करने लगा, तब इनको समझ में आया कि नहीं मामला गड़बड़ है। वो तो मणिपुर वाला मामला आ गया था, नहीं तो हमारा टॉप 1 पे भी ट्रेंड कर रहा होता। फिर उन्होंने रात में एक आदेश अपलोड किया, उसमें कहा इन्होंने कि इसमें एक गलती पाई गई है कि हाई कोर्ट ने इन पे कोई हैवी कॉस्ट नहीं लगाई, जुर्माना नहीं लगाया, जुर्माना नहीं लगाया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमें सुनना चाहिए था, ये पिटीशन सही नहीं है, ये सुनने लायक नहीं है, कुछ नहीं लिखा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिखा कि जो ये पिटीशन है वो, इसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि हाई कोर्ट ने इस पर कोई हैवी चार्ज नहीं किया है, कॉस्ट नहीं के लिए, इसलिए लोकेंद्र गुर्जर पर 50,000 की कॉस्ट लगाई जाती है और 1 महीने का टाइम दिया जाता है, और उन्होंने आदेश अपलोड कर दिया। तो लोकेंद्र हमें बता रहे हैं कि जब इन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की तो एमपी में जो हाई कोर्ट है वहाँ से वो रिजेक्ट हुई और ये सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन आर्ग्यूमेंट्स को सुना ही नहीं गया और सीधा जुर्माना लगा दिया और 10,000, 20,000 ये जैसे बता रहे हैं कि राशि बढ़ाते चले गए, यानी वकील के मुंह से कोई बात निकल रही थी, उधर से जज साहब के मुंह से निकल रहा था कि बिल्कुल कॉस्ट को यानी फाइन को बढ़ा दिया जाए। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि आप दोबारा कोर्ट जाने से डरे, आपके अंदर डर बिठा दिया जाए कि भाई इस मामले को, क्योंकि जुडिशरी पर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जुडिशरी कास्टिस्ट नेचर की है, कॉलेजियम खासकर जो है वो अपनी जाति के लोगों को जज बना रहा है, लेकिन अगर आप सवाल उठाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना ठोक देंगे, डराने की कोशिश है। बिल्कुल, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने बैकवर्ड क्लास का भी जज नहीं मांगा, मैंने बोला कि SC ST माइनॉरिटी में से आप करिए, मुझे भरोसा है SC ST माइनॉरिटी के लोगों पर कि वो करेंगे, एक पक्षपात वाला डिसीजन नहीं करेंगे, वो सामाजिक न्याय का एक डिसीजन करेंगे। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि उस कॉलेजियम सिस्टम में आज तक ST का अभी तक कोई जज ही नहीं है, SC के लिमिटेड जज हैं, OBC के लिमिटेड हैं, यदि वे बनाए कहाँ से, हमारे मध्य प्रदेश में ST का जज ही नहीं, वो बनाएंगे कहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पोल ना खुल जाए कि उनके पास जज नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि इसको उल्टे तरीके से इसको दबाया जाए, इस पर जब हैवी कॉस्ट लगेगी तो ये दोबारा से आएगा नहीं, और आगे से यदि ऐसी कोई बात करेगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं लोकेंद्र गुर्जर पे जुर्माना लग सकता है तो हम पे भी इससे ज़्यादा लगेगा। तो ये हमको आगे जाने सर, ना लोकेंद्र गुर्जर डरा है, ना भागा है, ना मैं माफ़ी मांगूंगा। मैंने अपने समाज से 1-1 रुपए की अपील करी है, मेरे समाज चिल्लर इकट्ठा कर करके बोरियों में भज के मेरे घर भेज रहा है, मैं उन सब पैसे को लेके सबसे पहले तो मैं रिव्यू पिटीशन में जाऊंगा। अच्छा। रिव्यू पिटीशन में हमारी नहीं सुनेंगे, मैं क्यूरेटिव में जाऊंगा। क्यूरेटिव में जब नहीं सुनेंगे, उसके बाद जो मेरे लोग, मेरे OBC ST के लोगों ने जो 1-1 रुपए करके जो ट्रेन से या बसों में रखवा के जो घर मेरा इकट्ठा हो रहा है, उन सबको बोरियों में बांध के लेके आऊँगा और सुप्रीम कोर्ट में जमा करूँगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है देने के लिए, मैं तो समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे पीछे आज मेरा समाज खड़ा हुआ है, वो जो समाज जैसा कहेगा वैसा करूँ, लेकिन ना झुकूंगा, ना डरूंगा और ना माफ़ी मांगूंगा, जो होगा उसमें लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म हो, क्योंकि इस देश में IAS IPS सब एग्जाम से बनते हैं, MLA मिनिस्टर सब बोर्ड से बनते हैं, एकमात्र जज ही ऐसे क्यों कि जो जज को बनाता है, किसी जस्टिस के घर पैदा होता है तो नर्स बधाई देती है कि जज साहब बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हुआ है। ये कब, ये इसको हम लीगल भाषा में और जो खासकर जो जर्नलिज्म की भाषा है उसमें हम इसको अंकल जज सिंड्रोम कहते हैं कि
हर सेकंड पर्सन जो है जुडिशरी में वो एक दूसरे का रिश्तेदार है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कि आप जब बोलते हैं ना कि मिलोड कार्रवाई शुरू करें, उससे पहले अगर आप बोले कि अंकल कार्रवाई शुरू करें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग रिश्तेदार हैं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ हूं, बट ये डाइवर्सिटी का सवाल है ना, कि जब देश में न्यायपालिका कुछ कर रही है तो सबकी भागीदारी। ब्राह्मण में भी वही 100-200 परिवार हैं, उन्हीं के जज बनते हैं। आप एग्जाम कराओ ना, जो क्वालिफाई होगा, जो उस लायक होगा वो बनेगा ना, उसको क्या दिक्कत है। आप जुडिशली एक आयोग बना दो, जैसे यूपीएससी है वैसा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कॉलेजियम है जो जजों की नियुक्ति करता है उसमें एस सी एस टी ओबीसी के जज नहीं बन पा रहे? क्या वो लायक नहीं है? क्या वो लायक नहीं है? लायक नहीं है ये, इन्होंने एक सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि द्विवेदी का लड़का चतुर्वेदी को बनाया जाता है, चतुर्वेदी का लड़का त्रिवेदी को बनाया जाता है, जब त्रिवेदी का लड़का आता है फिर वो द्विवेदी को बना देता है। वो उनका जो सिस्टम है वो एकदम इस तरीके से ऐसा हो चुका है कि वो उस सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहता। जब तक एस सी एस टी और ओबीसी के जज वहाँ नहीं आएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं सुधर सकता है। और ओबीसी एससी एसटी के जब तभी आ पाएंगे जब एग्जाम सिस्टम होगा, जो टॉप होगा वो जुडिशली का जज बनेगा। अभी क्या क्या उसकी जज बनने की वो क्या है क्वालिटी, क्या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? चाहे आप ABCD जानते हो ना जानते हो, कुछ भी हो ना, क्वालिफिकेशन सिस्टम ने कह दिया यस आप जज बनने लायक हो, जज बन गया, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? सीरियस एलिगेशन लगते रहे एकदम 100%। आपको सर्वेंट जजों पर भरोसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं भरोसा है। आप यदि मुझे भरोसा, यदि वो उन पर भरोसा होता तो मध्य प्रदेश में 27% लागू कर चुके होते हैं ना, उन्हें क्यों नहीं किया? वो करें ना लागू उसको, यदि भरोसा है तो सिद्ध करके दिखाएं कि हम पे भरोसा है, ये देखो मध्य प्रदेश में हमने 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्यों तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों उस पर हियरिंग नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारे जो ओबीसी के जो लोग हैं, भविष्य के जो युवा हैं, उनकी ओवर एज होती जा रही है, भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं 5 साल से, उनका क्यों भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? तो ये लोकेंद्र गुज्जर जो हैं वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला हुआ, जिसके खिलाफ वहाँ पर पेटिशन हुई, और अभी जो पहले 14% ओबीसी को आरक्षण मिलता था वो भी बंद हो गया क्योंकि कोर्ट ने स्टे कर दिया कि जब तक इसका फैसला नहीं होता तो 14% भी नहीं मिलेगा। तमाम वैकेंसीज आती हैं लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि EWS जैसा जब केस आता है तो उसमें केस में सुनवाई होने के दौरान भी कोई स्टे नहीं लगाया गया, कोई वैकेंसीज को नहीं रोका गया, किसी इंटरव्यू को नहीं रोका गया, लगातार भर्तियां जाती रही और उसके बाद उसमें फैसला भी आ गया। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें खासकर SC ST OBC से जुड़े हुए मामलों में लंबी हियरिंग पेंडिंग होती हैं, सालों साल उसमें तारीख पर तारीख मिलती रहती है और कोई न्याय नहीं मिलता। न्यायपालिका में जब किसी को भरोसा होगा तभी होगा जब उसमें उसको न्याय मिलेगा। भारतीय राष्ट्र जो है भारत के तमाम नागरिकों को न्याय की भी गारंटी देता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ की जब बात आती है तो विविधता यानी डाइवर्सिटी की भी बात आती है कि समाज के सभी वर्गों की, जातियों की, लिंग की, तमाम जो भी बैकग्राउंड्स होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी भागीदारी हो और सभी को न्याय तंत्र में भरोसा कायम हो और उनको न्याय मिले। लोकेंद्र गुज्जर का कहना है कि वो अभी इस पेटिशन के बाद रिव्यू पेटिशन फाइल करने वाले हैं और वो मांग करेंगे कि वो दूसरी बेंच के पास में जाए और इस जो इनकी दलील है उस पर सुनवाई हो। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप भी समझते हैं कि न्यायपालिका में जातिवाद हावी है, परिवारवाद हावी है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।